हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि सैमसंग गैलेक्सी F34 5G फ़ोन में आप लोग वाईफाई नो इंटरनेट एक्सेस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने जो है आपका फ़ोन वाईफाई से कनेक्ट करके रखा है, लेकिन यहाँ पर कनेक्ट करने के बाद भी यहाँ पर यूट्यूब नहीं चल रहा है, यहाँ पर डायरेक्ट ऑफलाइन दिखा रहा है, उसके बाद आप लोग फेसबुक को ओपन कर रहे हो वहाँ पर भी डायरेक्ट ऑफलाइन दिखा रहा है गाइस, तो इन सब प्रॉब्लम को जो आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हो। और बार बार यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आ रहा है गाइस, दिस हैज़ वाईफाई हैज़ नो इंटरनेट एक्सेस, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे गाइस, तो आज के वीडियो में मैं यही बताऊंगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले सेटिंग्स में जाना है, और यहाँ पर से आप लोगों को नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जनरल मैनेजमेंट का, तो इस ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर से एकदम लास्ट वाला ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, इस रीसेट लिखा हुआ है, तो इस रीसेट के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स का ऑप्शन होगा, तो इस रीसेट नेटवर्क सेटिंग पर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर देख सकते हैं रीसेट सेटिंग्स का ऑप्शन होगा, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को अपने फ़ोन का जो पासवर्ड है वो डाल देना है। डालने के बाद देख सकते हैं फिर से यहाँ पर रीसेट का ऑप्शन आ गया है, तो हमें फिर से जो है यहाँ पर रीसेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पर जो आप लोगों का नेटवर्क सेटिंग होगा वो रीसेट हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों का वाईफाई भी रीसेट हो जाएगा, मोबाइल डाटा ब्लूटूथ यहाँ पर से सारे सेटिंग्स रीसेट हो जाएंगे। और रीसेट होने के बाद आपका जो वाईफाई नो इंटरनेट एक्सेस प्रॉब्लम है वो भी गाइस 100% सॉल्व हो ही जाएगा। तो ऐसे करके जो आप लोग अपने सैमसंग गैलेक्सी F34 5G फ़ोन में वाईफाई नो इंटरनेट एक्सेस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।